यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हमारा भाई छोटी जो है जाने वाला है मोई विलेज चिकली में एज अ स्कूल ट्रिप। हमारी जो स्कूल है वो इनको एज अ लर्निंग प्रोस्पेक्टिव लेके जा रही है ये पिकनिक के लिए, ताकि वो लोग को कुछ सीखने मिले या ऐसा। तो अभी हम लोग सुबह के आठ बज रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं एंड सारा सामान हमने दे दिया है छोटी को, सब खाने पीने का सब सामान दे दिया। एंड अभी देखो पूरा तैयार हो चुका है, एकदम ड्रिप में भाई, पूरा ड्रिप में स्कूल यूनिफॉर्म में ऐसा दिख रहा है। सो चलिए अभी हम लोग इनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। स्कूल छोड़ने जाते वक्त हम आपको स्कूल जाके इनके मिलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता, हमने अपने छोटे भाई को सुबह छोड़ा था पिकनिक के लिए। सो अभी हम लोग उसी को लेने जा रहे हैं वहाँ स्कूल से, फिर स्कूल से पिकअप करके हम लोग अपना पुनावले वाला घर चले जाएंगे। फिर पुनावले वाले घर का आपको टूर देंगे, जैसा कि कमेंट सेक्शन में एक हमारे मांगा था कि होम टूर दिखाए, तो अभी हम लोग आपको वही होम टूर दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं एंड फिर हम लोग आपको वहाँ पहुँच के आपको मिलते हैं। गाइस, हमारा भाई आ चुका है पिकनिक से। मैंने लॉक कर रखा है गाड़ी, आ जाओ। कैसा गया दिन? अच्छा गया। मजा आया पिकनिक में? हाँ, मस्त था, बहुत मस्त था। क्या क्या किया उधर? हम लोग जो गांव में गए थे ना, उधर हम लोग एक अलग से स्कूल में गए थे, वो मराठी मीडियम था। इतना मस्त था ना, बहुत मस्त था। सारे के सारे बच्चे लोग थे उसमें, नर्सरी वर्सरी सब था, पूरा एकदम नेचुरल था, कुछ भी ऐसा मैन मेड नहीं था। मस्त, मतलब मजा आया बहुत। अच्छा, जो खाने का सामान सब खा लिया? हाँ, सब टैंक को छोड़ के। टैंक नहीं पिया, टैंक थोड़ा सा ही बचा। गाइस देखो, मैंने बोला था इसको कुछ बचा के लाया, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। उसको पूरा उम्मीद था कि कुछ तो चिप्स विप्स मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं लाया ये देखो, और अभी भी पी रहा है। कितना क्या है, चलो। सो गाइस, अभी हम लोग अपने पुनावले वाले घर जाते हैं। पुनावले वाले घर जाके वहाँ का फाइनली हम आपको टूर देते हैं। तो चलिए हम लोग पुनावले वाले घर जाके मिलते हैं। गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग अपने सोसाइटी में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड अभी यहाँ पे हम लोग अंदर घुस रहे हैं। अभी आपको पूरा सोसाइटी दिखाते हैं, सोसाइटी कैसा है एंड पूरा अंदर का रूम दिखाते हैं। सो अभी हम लोग को जो है हेलमेट पहनना होगा। यहाँ पे देखिए हेलमेट दिया हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए अभी हेलमेट पहन के घुसते हैं। तो चलिए अभी हम आपको अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं। देखो, हमारा स्विमिंग पूल है यहाँ पे एंड ये हमारा क्लब हाउस है सामने एंड ये स्विमिंग पूल। और भी यहाँ जो है एक बिल्डिंग है, फिर ये जो बिल्डिंग है ये क्रॉस करने के बाद इसके पीछे वाले जो साइड है वो जो है हमारा बिल्डिंग है। सो अभी हम लोग जो है अंदर जा रहे हैं। सब ने देखो हेलमेट पहना हुआ है, सबके सर पे हेलमेट एंड यस मेरे भी सर पे हेलमेट है, आप देख सकते। सो चलिए अभी चलते हैं। देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है हम लोग का पूरा सोसाइटी, ये ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका है। एंड वहाँ पे जो 8th फ्लोर पे है वो हम लोग का जो है घर है, 8th फ्लोर 808 पे। एंड ये पूरा जो है गार्डन है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये पूरा बैठने का जगह है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में पूरा पानी होगा एंड बीच में बैठने का होगा। सो वही है, अभी चलिए अभी लिफ्ट से अंदर चलते हैं, अंदर पूरा जाके आपको घर के अंदर का सीन दिखाते हैं। सो चलिए अब आपको अंदर मिलते हैं। हम लोग का लिफ्ट जो है आ चुका है, एक लिफ्ट है, थर्टीन फ्लोर। तो गाइस, अभी हम लोग अपने 8th फ्लोर पे आ चुके हैं। 8th फ्लोर पे यहाँ पे देखिए अपना हमारे है 807 808 808। सो अभी हम लोग जो है 808 में जा रहे हैं अंदर में। पूरा फ्लैट ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है, अभी बाकी के जो बिल्डिंग से उसका बन रहे हैं। हम लोग का जो है पूरा प्रिपेयर हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोग ऐसे लेफ्ट साइड पे हमारा घर, मेरी ये वॉइस पूरी एको हो रही होगी। सो चलिए अभी हम आपको एक अच्छा सा जो है इसका टूर देते हैं।
गाइस जैसा कि आपने अपना होम टूर देख लिया, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे ये सब पीओपी, ये सब जो है ऑलरेडी ये जीके आर्कन की तरफ से हम लोग ऑलरेडी होके मिला है। एंड वो सब जो है दीवार का जो किचन का जो वॉलपेपर है, ये सब भी हम लोग को जीके आर्कन की तरफ से होके मिला हुआ है। हाँ सो यस, वही ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे जो है विंडोज जो है बहुत बड़ा है, लाइक यहाँ पे आराम से मेरे हाइट के पूरा हिसाब से पूरा व्यू दिख रहा है। यहाँ पे पूरा विंडी है, पूरा हवा चल रही है। सो यहाँ पे अभी हम लोग का पूरा घर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, थोड़े महीनों में हम लोग को जो है घर मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सामने वाला जो बिल्डिंग है वो सब उनका कंस्ट्रक्शन जो अभी चल रहा है, ये सब जो है पूरा प्रिपेयर हो गया। हमारा बिल्डिंग पूरा प्रिपेयर हो गया, गार्डन जो है वो होना बाकी है। वो सब जो आप देख रहे हैं वहाँ पे बैठने वाला, बहुत अच्छा लगेगा रात को अभी। सो अभी प्रिपेयर होने के बाद बोल तो रहे हैं कि ये दिसंबर ऐसा कुछ तो शायद से मिल जाएगा। सो देखते हैं, अभी हम लोग वेट ही कर सकते हैं। सो यस, अभी हम आपको एक और एरिया दिखा दें जिसे बोलते हैं रिफ्यूज़ एरिया, जहाँ का जहाँ पे फायर वायर वो सब चीज़ें जाते हैं। तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं, वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा, बहुत ही गर्म है। तो चलिए हम आपको वहाँ पर जाके दिखाते हैं। सो गाइस, ये जो है हमारा जो है रिफ्यूज़ एरिया है, यहाँ से आप व्यू देखो गाइस, बस व्यू देखो, पूरा हिंजाड़ी गाइस, पूरा देखो पूरा माउंटेन सब दिख रहा है यहाँ से। अभी बिल्डिंग्स बन रहे, बादल का पूरा मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ पे, और बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है गाइस, इतना प्यारा एरिया है ना, ये बहुत मस्त है। तो ये तो हमारा रिफ्यूज एरिया है, रिफ्यूज एरिया तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जब बिल्डिंग में कोई ऐसा फायर आग वो सब लग जाता है तो आज हम लोग यहाँ पे ऐसे आके एक साथ रुक जाते हैं ताकि कोई हार्म ना हो। सो यस, अभी आपको रिफ्यूज एरिया में दिखा दिए, ये पूरा जो है हमारा फ्लैट का वो है, सब है इलेक्ट्रिक का, ये सब वायरिंग वो सब है। सो अभी आपने पूरा फ्लैट हम आपने देख लिया, पूरा होम टूर हमने आपको दे दिया। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसमें बनाएंगे। सो इस व्लॉग में बस इतना ही, हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।